हर हर महादेव। जय शिव शंकर। भक्ति सागर चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को पूरा देखना। हर ताल का तीज व्रत कथा। कथा इस प्रकार है। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव और पार्वती सभी गणों सहित बागंबर पर विराजमान थे। भगवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी और नंदी अपने अपने पैरों पर सदा शिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। इस अवसर पर महारानी पार्वती ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप सखी के पथ को वरण किया। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य अर्जन किया? आप अंतर्यामी हैं, मुझे दासी पर वरण करने की कृपा करें। महारानी पार्वती की ऐसी प्रार्थना सुनने पर शंकर जी बोले, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रम किया था जिससे मुझे प्राप्त किया है। वह अति गुप्त व्रत है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ। वह व्रत भादव मास के शुक्ल पक्ष की तीज के नाम से प्रसिद्ध है। ये व्रत ऐसा है, तारों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन होता है, इतना श्रेष्ठ है। इन्होंने बताया कि जो तीज हस्त नक्षत्र के दिन पड़े वो है बहुत पुण्यदायी मानी जाती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने कहा कि मैंने कब और कैसे तीज व्रत किया था, विस्तार से सुनने की इच्छा है। इतना सुनते ही शंकर जी बोले, भगवान उमा भारतवर्ष के उत्तम में हिमालय श्रेष्ठ पर्वत है, उसके राजा हिमालय हैं। वहीं तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बालकाल से ही मेरी आराधना करना शुरू कर दिया था। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने सहेली के साथ जाकर हिमालय की गुफाओं में मुझसे पाने के लिए तप किया। तुमने गर्मी से बाहर चट्टानों में आसन लगाकर तप किया, बारिश में बाहर पानी में तप किया, नदी में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में लगी रही। तुमने इस दौरान बाय, सूंघी, पेड़ों के पत्ते खाए और तुम्हारा शरीर छीण हो गया। ऐसी हालत देखकर महाराज हिमालय को बहुत चिंता हुई। वे तुम्हारे विवाह के लिए चिंता करने लगे। इसी मौके पर नारद देव आए। राजा ने उसका स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा, राजन, मैं भगवान विष्णु की तरफ से आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग वर प्राप्त हो। सो वैकुंठ निवासी भगवान विष्णु ने आपकी कन्या का वरद स्वीकार किया है। ऐसा आपको स्वीकार है? राजा हिमालय ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य है जो कि मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया और वे अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का भाग्यदान करूँगा। ये सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी वैकुंठ चले गए और भगवान विष्णु ने से उनके विवाह का पूर्ण होना सुनाया। ये सुनकर तुम्हें बहुत खुश हुआ? मैं तो बहुत खुश हुआ। और तुम अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तुम्हारा विलाप देखकर सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या के लिए ले जाऊंगी जहां महाराज हिमालय भी न पा सकें। ऐसा कह उमा सहेली सहित हिमालय की गहन गुफा में विलीन हो गईं। तब महाराज हिमालय घबरा गए और पार्वती को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु जी को तो वचन दिया है, वो कैसे पूरा हो सकेगा। ऐसा कहकर बेहोश हो गए। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गहन गुफा में पहुंच बिना अन्न और जल के मेरे व्रत को आरंभ करके नदी की बालू का लिंग
लाकर विविध फूलों से पूजन करने लगी। उस दिन भाद्र मास की तृतीय शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र था। तुम्हारी पूजा के कारण मेरा सिंहासन हिल उठा और मैंने जाकर तुम्हें दर्शन दिए। वहां जाकर मैंने तुमसे कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे अपनी इच्छा मांग सकती हो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छिपे नहीं हैं, आपको पत रूप में पाना चाहती हूँ। इतना सुनकर मैं तुम्हें एमस्त इच्छित पूर्ण वरदान देकर अंतर ध्यान हो गया। उसके बाद तुम बालू से मूर्ति विसर्जित करने नदी पर गईं, जहाँ नदी तट पर तुम्हारे नगर निवासी हिमालय के साथ मिल गए। वे तुमसे मिलकर रोने लगे कि तुम इतने भयंकर वन में, जहाँ सिंह सांप निवास करते हैं, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में हो सकते हैं, ऐसे पिता के घर की जाने के निवेदन पर तुमने कहा कि पिताजी, आपके मेरा विवाह भगवान विष्णु जी के साथ स्वीकार किया, इस कारण मैं वन में रहकर अपने प्राण त्याग दूंगी। तब वे बोले, शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ कदापि नहीं करूंगा, उन्हीं सदा शिव के साथ करूंगा। इसके बाद महाराज हिमाचल ने रानी मैना के साथ मेरा और तुम्हारा विवाह किया। भोलेनाथ की ये कथा है। आप लोगों को ये कथा कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट करके, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।